Today we doing class second students teach English lit. Okay. तो आज का सबसे पहला जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स अपनी ओपन कर लें और उसमें चैप्टर में रीड करा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ें. और जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो इसमें देख के अच्छे से रीडिंग करें, ठीक है. और जो नहीं समझ में आता है एक्सप्लेनेशन के बाद, आप उसको कमेंट बॉक्स में दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, मैम इसका मतलब मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बता दूंगी. द मुल्ला सन, मुल्ला सन मीन्स मुल्ला का बेटा. ओके. अबाउट 400 ईयर्स एगो, लगभग 400 साल पहले, देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड अकबर, यानी अकबर नाम का एक राजा रहता था वहाँ पर. कहाँ रहता था? वहाँ पर एक अकबर नाम का राजा रहता था. ही वॉज सच, ही वॉज यानी वह था, कैसा था? ही वॉज सच एज अ ग्रेट किंग, ग्रेट किंग यानी महान राजा था. दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर, और वहाँ पे जो लोग थे राज्य के उसे वो वहाँ का राजा कह के बुलाते थे या राजा कहते थे उसे. अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज प्लेस इन दिल्ली. अकबर लिव्ड यानी अकबर रहता था कहाँ रहता था? ह्यूज प्लेस पैलेस यानी कि बहुत बड़े से महल में, इन दिल्ली. वो महल कहाँ था उसका? इन दिल्ली यानी दिल्ली में था. तो अकबर एक बहुत बड़े से महल में दिल्ली में रहता था. एट अकबर्स कोर्ट, यानी जो अकबर का कोर्ट था, कोर्ट मीन्स राज्यसभा बोलते हैं या फिर दरबार भी बोल सकते हैं, ठीक है. अकबर के दरबार में देयर वेयर मेनी फेमस पीपल, वहाँ पर बहुत तरह के फेमस यानी मशहूर लोग रहते थे, मतलब बैठते थे, या जब उसका दरबार लगता था तो उसके दरबार में काफ़ी फेमस लोग थे. देयर वेयर आर्टिस्ट, कैसे थे वो लोग? उसमें जो लोग थे, जो फेमस लोग थे, वो थे आर्टिस्ट, थे आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन यानी अच्छे म्यूजिशियन यानी कि वाद्य जो बजाते हैं, डांसर यानी जो नृत्य करते हैं, एंड पोएट जो कविताएं लिखते हैं, पोएट्स, ठीक है, एंड क्लेवर साइंटिस्ट और बहुत ही दिमागदार या तजुर्बेकार साइंटिस्ट थे, एंड राइटर्स और वहाँ पे राइटर यानी कि जो पोएम वगैरह लिखते थे, कहानियाँ जो भी लिखने का काम होता था वो थे. तो देयर वॉज ऑल्सो वेरी फनी मैन, वहाँ पर उस दरबार में एक बहुत ही मजाकिया आदमी भी था. देयर वॉज यानी वहाँ था, ऑल्सो यानी बी, अ वेरी फनी यानी बहुत मजाकिया मैन यानी कॉमेडी मैन था. वॉज हु वॉज कॉल्ड मुल्ला द प्याज़ा, उसको लोग क्या कह के बुलाते थे? हु वॉज कॉल्ड मुल्ला द प्याज़ा, उसका पूरा नाम था मुल्ला द प्याज़ा. द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, यानी जो मुल्ला का काम था वो क्या करता था? राजा को हंसाता रहता था वो हमेशा, जब भी वो ऐसी बात करता था कि राजा को यानी कि अकबर को हंसी आ जाती थी. व्हेन द एम्परर वॉज, मैंने जो चैप्टर रीड कराया था देन उसके बाद आप ये चैप्टर है द लेसन, आफ्टर द रीडिंग यू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स. तो मैंने ये सारे हार्ड वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, इन हार्ड वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक्स में लिखिए और उसके बाद उसकी स्पेलिंग लर्न करिए. मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रही ताकि आप घर पे आराम से पढ़ लें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. EMPERROR, एम्परर, एम्परर मीन्स राजा, ठीक है. फेमस FAMOUS, फेमस. डिसाइड decided, ठीक है, decided. WORRIED, worried means क्या होता है? चिंता करना. ओके, फिर से WORRIED, worried. Poets, POETSX, poets. Okay, poets. Next, WRITERS, writers.
साइंटिस्ट, TIST, साइंटिस्ट, TS, साइंटिस्ट, क्या तो साइंटिस्ट, SER, सर, VAN, सर्वेंट, TS, सर्वेंट्स। फिर आपका अगला है नेक्स्ट, PUNI, पनी, SHED, शेड, पनिश्ड, क्या था पनिश्ड, पनिश्ड, PUNISH, पनिश, ED, पनिश्ड, COMFOR, कंफर, TABLE, टेबल, क्या था कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आराम होता है। ओके, अब मैंने एक बार आपको बोल दिया, घर पे आप इसको एक बार फिर से रीडिंग करिएगा, एक-एक स्पेलिंग को लर्न करिएगा और लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगी तो मैं डिक्टेट भी करूंगी। ठीक है, ओके बच्चों, सी यू।